मोगा पनबस अते पीआरटीसी दे कच्चे मुलाजमान ने गेट रैली करके पंजाब सरकार नू चेतावनी दे दी है कि जेकर उन्हां दीआं मंगां ना मन्नियां गईआं तां 20 सितंबर नू ट्रांसपोर्ट मंत्री जां फिर मुख्यमंत्री पंजाब दा घिराओ कीता जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि गड्डियां दे विच नहीं पै रहा है तेल, जिस दे चलदिआं बहुत वड्डे वित्ती घाटे पै रहे ने। अज्ज 2 तरीक की गेट रैली सारे 27 डिपुआ पनबस से पीआरटीसी 27 डिपुआ च गेट रैलियां करन दा फैसला सी। उस संबंध में अज मोगा डिपू च गेट रैली की गई है। तो जो बनदियां जायज़ मंगा ने ये संबंध में 6 तरीक पटियाले हैड ऑफिस विखे पीआरटीसी धरना दिता जाऊगा। 13 तरीक चंडीगढ़ हैड ऑफिस पनबस के हैड ऑफिस से धरना दिता जाऊगा। जे फिर भी मैनेजमेंट से सरकार साड़ियां जायज़ मंगा नहीं मनती तो 20 तरीक ट्रांसपोर्ट मंत्री का घिराओ किया जाऊगा। जी हाँ, मोगा दे विच पनबस अते पीआरटीसी दे कच्चे मुलाजमां दे वल्लों रैली कीती गई है अते आउण वाले समें दे विच तिखे संघर्ष नूं लैके चेतावनी भी पंजाब सरकार नूं दे दित्ती गई है। इस मौके ते बोलदे होए कच्चे मुलाजमां दे आगूआं ने की कहा है, आओ सुनदे हाँ। देखो जी, अज दी गेट रैली पंजाब रोडवेज पनबस अबलीक पीआरटीसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर यूनियन वल्लों जिहड़ा पंजाब लैवल ते मीटिंग कीती गई है। मीटिंग दे सद्दे अनुसार अज दी 2-9 दी गेट रैली कीती जा रही है। देखो, सरकार पहला श्रोमणी अकाली दल दी सी, उस तों बाद कांग्रेस आई, उस तों बाद अज आ जिहड़ी आम आदमी पार्टी की सरकार आ चुकी आ। मुलाजम तबका जिहड़ा उसे अग दी जिहड़ी भट्ठी दे विच झुलसिया जा रहा, पीसिया जा रहा, दिनों दिन जिहड़ी पंजाब लैवल ते जिहड़ी मुलाजम दी हालत पतली हो जा रही आ। और साडे नाल जिहड़े इन्हां ने पहला चोण मैनीफेस्टो दे विच कह लईए जां स्टेजां दे विच कह लईए वी इन्हां ने वादे कीते सी भी असीं आउटसोर्स से भर्ती नहीं करांगे, उहदे बजाए अज आउटसोर्स की भर्ती जिहड़ी उह भी निगुणी तनखा 9100 ते करन जा रहे, जिहदी 300 रुपये मैक्सिमम दिहाड़ी बनती आ। और नाल इन्हां ने कहा सी विभाग दे विच बसां पावांगे, जिहड़ी बसां दी जिहड़े फलीट आ सरकार दा उह 60-40 दी रेशो आ जिहड़ी पूरी कीती जाऊगी। उस दे उल्ट अज पीआरटीसी दे विच 219 किलोमीटर स्कीम तहत बसां पाईआं जा रहीआं, जिहदा करोड़ां रुपए का घाटा, लगभग एक बस का जिहड़ा 5 सालों का 72 लाख रुपया बनता, और जे 219 72 नाल गुणा करके देखिए तो करोड़ों रुपया बनता जिहड़ा कारपोरेट घराणिया नूं जाना है। और उधर दूजे पासे जिहड़ी सरकारी खाते दे विच बस पाई जानी आ, उन्हें 5 सालों दे विच वध कमाई करके देनी आ, और नाल फिर बस साडे कोल रह जानी आ। जिहड़े गलत अंकड़े पेश करके जिहड़ा डिपार्टमेंट आ उह सरकार नूं दे रिहा, एक आउटसोर्स ते भर्ती बिल्कुल ना कीती जावे। जिहड़े आउटसोर्स ते भर्ती कीते होए ने पहलां उन्हां नूं और जिहड़े कॉन्ट्रैक्ट दे ने उन्हां नूं रैगूलर कीता जावे। क्यों? क्योंकि नाल हिमाचल ते हरियाणा जिहड़े नाल लगदियां जिन्नियां वी जिहड़े स्टेट ने उन्हां ने ये मुलाजमां नूं 3 साल बाद ही रैगूलर कर दिता, भावें हिमाचल 'च होवे भावें हरियाणे 'च। और साडिआं नूं 10-10 साल हो गए ने इन्हां नूं किसे वेले नहीं लाया गया। इन्हां नूं पहल दे आधार ते पंजाब सोने दी चिड़िया, पंजाब नूं तां पहलां इह करना चाहीदा सी, 2 साल बाद मुलाजमां जिहड़े रैगूलर करने चाहीदे सी जे उन्होंने 3 साल के किए हैं। नाल एक नजायज़ कंडीशन ला के मुलाजमान नूं बाहर कढ़िया जा रहा, और बड़े कढ़े गए ने नवी। हाँ जी, बसा बिल्कुल चल रही है। ये गेट रैली आ, गेट रैली के दौरान बसा की कोई हड़ताल नहीं। वो वर्करा छड़ा के जे शुरू करने वाले छड़न वाले ड्यूटियां उन्हों वर्करा के तहत जी गेट रैली की जाती है। और नाल ही ये दसया जाता कि नजायज़ कंडीशन ला के वर्करा कढ़िया गया, उन्होंने उस बनती ड्यूटी तो उस स्केल से बहाल किया जाए। तो नाल ही जिहड़े कंप्यूटर ऑपरेटर ने जां एडवांस बुकर ने उन्हां दीआं जिहड़ियां तनखावां बहुत ही घट ने उन्हां नूं पूरा करने सरकार ने समां दित्ता है, जल्द पूरे करदे आ, उन्हां नूं हाले तक पूरा नहीं किया गया। और आउटसोर्स तों कंट्रैक्ट दे होण वास्ते जिहड़े 2015 दे विच केस लाया सी, उह केस आ जिहड़ा मुलाजम जित चुके ने। हाई कोर्ट ने इह दिशा निर्देश दित्ते होए ने वी इहनां नूं कागज़ चैक करके मर्ज कर लिया जाए, कंट्रैक्ट ते कर लिया जाए। पर महकमा उस पासे भी कुंभ करन दी नीत सुत्ता होया। हाँ, कह दिंदे कागज़ लियाओ, कागज़ इन्हां कोल पए आ, असीं फिर वार वार इन्हां नूं कागज़ तैयार करके दिंदे आ। जिहड़े नजायज़ बाहर कढ़े गए ने उन्हां वर्करां नूं हाई कोर्ट दी हुक्मां अनुसार उन्हां नूं जिहड़ा महकमे दे विच कॉन्ट्रैक्ट ते कर लिया जावे, सारे मुलाजमां नूं पक्के कीता। तां कच्चे मुलाजमां दे वल्लों कहे गए इन्हां अल्फाज़ां दे बारे विच तुसीं की कहना चाहोगे? कमेंट सैक्शन दे विच जाके अपनी राय सांझी करना बिल्कुल भी ना भुलना। ब्यूरो रिपोर्ट, नैशनल बज़।